26 दिसंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। 12 घंटे पहले यानी बुधवार रात 8 बजे से वेद बैठेंगे। सूतक काल शुरू होने के साथ ही मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, जो दूसरे दिन यानी गुरुवार की शाम को खुलेंगे। पंचांग के अनुसार ग्रहण का पूर्व काल 2 घंटे 49 मिनट रहेगा। ग्रहण का स्पर्श गुरुवार सुबह 8:09 पर होगा, जबकि मोक्ष सुबह 10:58 पर होगा। जानकारों के अनुसार सूतक काल में जातकों को आराध्य की आराधना करना चाहिए, साथ ही मंत्र सिद्धि भी की जा सकती है। गुरुवार को पड़ रहे सूर्य ग्रहण का अन्य देशों समेत भारत में भी व्यापक असर होगा। ग्रहण का पर्व काल 2 घंटे 49 मिनट रहेगा। ग्रहण के कारण बुधवार शाम 7:30 बजे से मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद गुरुवार शाम को पट खुलेंगे। इसके चलते अधिकांश मंदिरों में रोजाना रात में होने वाली आरती बुधवार की शाम को की जाएगी। सूतक काल में पूजा पाठ करना निषेध रहेगा। सूर्य पर चंद्र और चंद्र पर पृथ्वी की छाया का नाम ही ग्रहण है। जो दिखाई दे वह ग्रहण है। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण गुरुवार को घटित होने जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में यह ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण के प्रभाव दूरगामी होंगे। धर्म और अध्यात्म की राजनीति तेज होगी। महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं से जनता त्रस्त होगी। वहीं हिंसा की घटनाएं यह ग्रहण बढ़ाएगा। यह ग्रहण पौष मास की मौनी अमावस्या को मूल नक्षत्र वृद्धि योग एवं नाग करण में कंकण की आकृति वाला सूर्य ग्रहण धनु राशि में घटित हो रहा है। धनु राशि में 6 ग्रहों की युतियां भी इस वर्ष एकत्रित हो रही है। सूर्य के साथ चंद्रमा, चंद्रमा के साथ बृहस्पति और बृहस्पति के साथ शनि महाराज और केतु, ये 6 ग्रहों की युतियां धनु राशि में हो रही है। 26 दिसंबर को घटित होने वाला यह ग्रहण, इसका जो स्पर्श होगा ग्रहण का प्रातः 8:08 पर होगा और ग्रहण का मध्य जो है प्रातः 9:26 पर होगा और ग्रहण का जो मोक्ष होगा वो प्रातः 10:58 पर होगा। इस प्रकार इस ग्रहण का पर्व काल 2 घंटा 50 मिनट तक रहेगा। 58 वर्षों के बाद इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। 58 वर्ष पूर्व सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय इस प्रकार का ग्रहण जो है पूरे भारतवर्ष में दिखाई दिया था। भारत में यह ग्रहण सर्वत्र खंडक ग्रास के रूप में दिखाई देगा, किंतु दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में इसकी आकृति कंकणाकृति आकृति इस ग्रहण की होगी। ग्रहण का सूतक 25 दिसंबर को रात्रि 8:08 पर जो है लगेगा। मंदिरों के पट जो है बंद होंगे। 12 घंटों तक देवताओं का स्पर्श नहीं हो पाएगा। वही जो है ग्रहण के अंदर मंत्र सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है।
आप अपने इष्ट देवता का मंत्र जो है जप सकते हैं और उस मंत्र को जो है सिद्ध करने का यह 2 घंटे 50 मिनट का काल अब वापस नहीं आएगा। ग्रहण के 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी रहेगा। वहीं मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के लिए इस ग्रहण के प्रभाव मिले जुले रहेंगे। वहीं वृषभ, कन्या, मकर और धनु राशि के लिए यह ग्रहण जो है अशुभ फलदायी रहेगा। अगला सूर्य ग्रहण जो 2020 में आएगा वह 21 जून को इस प्रकार के ग्रहण की स्थिति निर्मित होगी। इस ग्रहण के जो प्रभाव होंगे शिक्षा जगत पर, इस ग्रहण का विशेष प्रभाव होगा क्योंकि यह ग्रहण धनु राशि में घटित हो रहा है। धर्म की राजनीति तेज होगी। वहीं प्राकृतिक आपदाओं वाली घटनाएं देश के अंदर घटित होगी। इस ग्रहण का जो प्रभाव विश्वव्यापी प्रभाव देखने को मिलेगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। किन किन व्यक्तियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मानते से गर्भवती स्त्री हो? देखिए ये जो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस ग्रहण के जो प्रभाव जो है आने वाले शिशु पर जो है पड़ सकते हैं। वहीं जो है मैंने आपको बताया वृषभ, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए, विशेष करके जो धनु राशि के जातक हैं क्योंकि यह ग्रहण धनु राशि में घटित हो रहा है। इसलिए धनु राशि के जातकों को प्रातः 8:08 से लगाकर जो है मोक्ष का समय जो 10:58 तक होगा, इस काल में उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वाहन नहीं चलाना चाहिए और इस ग्रहण काल में जो है उन्हें अपने इष्ट देवता का मंत्र जप करना चाहिए।